कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको पीनट बटर एक्सरसाइज के बाद लेना चाहिए, और दोस्तों हाँ अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, क्योंकि यही तो सबसे ज़्यादा मेन है कि आपको लेना कितना है। मतलब पहली बात तो यही कि लेना है, और लेना है तो लेना कितना है, तो उसी से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना बॉडी को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मैं आपको जो भी बताता हूँ वो आपको बॉडी के हिसाब से बताता हूँ कि आपको कितनी जल्दी किस तरीके से अगर आप इसे खाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और दोस्तों पहली बात तो ये कि पीनट बटर खाने के फ़ायदे बहुत हैं, और सबसे बढ़िया बात तो ये कि सस्ता बहुत है, तो ऐसे में इसके फ़ायदे भी और ये सस्ता भी। अगर आप इसे आलमंड बटर से कंपेयर करें तो दोस्तों आलमंड बटर काफ़ी महंगा है, पर आप देखेंगे कि पीनट बटर का रेट इतना ज़्यादा नहीं है। बस आप एक अच्छा पीनट बटर लें, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बेस्ट पीनट बटर लेना चाहते हैं तो आप नेचुरल खरीदें, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर ही दीजिए। देखिए जिन्हें होती है एलर्जी, तो वो अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे में उन्हें एलर्जी होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब बात आती है कि आप इसे एक्सरसाइज के बाद खा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, पर दोस्तों आप इसे ध्यान रखें, आप जो भी शेक बनाकर ले रहे हैं या जो भी प्रोटीन डाइट ले रहे हैं आप आफ्टर एक्सरसाइज, उसमें आपको इसे पीनट को ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि पीनट एक तरीके का फैट है। और दोस्तों अगर आप ज़्यादा फैट लेते हैं तो थोड़ी सी जो आपकी रिकवरी होती है ना, आप खुद आपको देखते होंगे जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो बॉडी में कितना पेन होता है, तो उसी को रिकवरी को करने के लिए जो बॉडी का पेन बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाए आपकी बॉडी, और फिर से आप जो काम करना चाहते हैं वो करने लगें, तो इसलिए आपको एक अच्छी डाइट लेनी पड़ती है। आप उसी डाइट में अगर आप ज़्यादा फैट मिला लोगे तो फैट की वजह से जो रिकवरी का प्रोसेस, मतलब डाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। अब डाइजेशन अगर लेट होगा तो आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे जो कि उसे जल्दी चाहिए, तो इसलिए रिकवरी थोड़ी सी लेट होती है और आपकी बॉडी में वो पेन रह ही जाएगा। तो इसलिए आप फैट वाले फूड्स आफ्टर एक्सरसाइज ज़्यादा न लें, बहुत ही कम लेने की वो दी जाती है। अब उसके बाद अगर आप कहेंगे कि कितनी देर बाद लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप 45 से लेकर कम से कम 1 आवर, मतलब 1 घंटे बाद आप इसे ले सकते हैं। तो आप 1 चम्मच ले लीजिए, 20-30 ग्राम आप 1 चम्मच इसे खा लीजिए, आप चाहे ब्रेड पर लगा कर खा लीजिए या कैसे भी, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा। और आप अगर इसे एक्सरसाइज के बाद लेना ही चाहते हैं तो आप कम से कम 10 ग्राम लें। अब 10 ग्राम में आप चम्मच से, बहुत से लोग चम्मच से साइज पूछते हैं कि भाई चम्मच से ही बता दो, ऐसे 10 ग्राम का कहाँ तक अंदाज़ा लगाएं, तो जो छोटी वाली चम्मच आती है टीस्पून, आप उससे ले सकते हैं, पर फुल भर के न लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फुल भर लोगे उतना ही ज़्यादा इसका वेट भी हो जाएगा। तो आप उसके हिसाब से ही लें और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया कि कैसे एक्सरसाइज के बाद खा सकते हैं नहीं। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय श्री राम।